पेट जमड़ा हो या मुड जमड़ा हो, जहाँ पर तीन अजला का संगम होता है। ये इलाका सांगढ़ से 50 किलोमीटर शुमाल की तरफ है। ड्राइविंग टाइम 1.25 से 1.5 घंटे तक का है। रोड खस्ता हाल है। रास्ते के दोनों तरफ चक और खेत नजर आते हैं। रातों दिन आमो दरफ्त रहती है। रोड सुनसान नहीं है। इस मकाम से नारा कैनाल का भाव बहुत सी नहरों में तब्दील हो जाता है, जिनमें रांटो कैनाल, जमड़ाऊ कैनाल, खिप्रो कैनाल, मिठड़ाऊ कैनाल, नारा कैनाल और छंडण अपने रास्ते बनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। अंग्रेज़ों ने इस मकाम को रेगुलेटर के लिए आइडियल पॉइंट करार दिया और पक्की ईंटों और सीमेंट से पुल तामीर किया। ये पहली बार था कि बड़े सगीर में सीमट मुतारफ किया जा रहा था। इससे पहले इमारतों में सीमट राज नहीं था। पुलों को यूरोपीय स्टाइल से महल के किसी किले की तरह तामीर किया जा रहा था। पानियों का शोर, जंगली परिंदों की बोलियां, पालतू जानवरों के गले में पड़ी टलियां जब एक साथ सीक्वेंस रिदम बनाती थीं तो सारा जंगल रक्स करने लगता था। यहां पर बहुत सारा जंगल था। शुमाल मशरक में रेत के टीले, झीलें और तुलू और गुरूब होते सूरज की ताजगी और थकावट के शफक रंग पानियों से खेलते, लड़ते, डरते, सहमते जाते थे। जंगल लुट जाने, दरख्त के कट जाने से अब दर्जाए हरारत में शिद्दत आ गई है। कहीं कहीं पर द्योहेकल पीपल के दरख्त अब भी सांस लेते हुए लहराते हुए नजर आते हैं, मगर अब तन्हा अकेले हैं, फितरत के हिसार से निकल चुके हैं। यहाँ पर एक शाही कश्ती भी हुआ करती थी, जिसमें बाली अपने महबूब शायर के साथ पानियों पर सुर बिखेरती थी। अब वो कश्ती नज़र नहीं आती, न जाने कहाँ कौन से देश चली गई। इस कश्ती की जगह लोहे के ड्रम मुँह चिढ़ाते हैं। यहाँ पर झीलों में ना तो मगरमच्छ है, न जंगल में हिरन, न ही सहरा में मोर नाचता है। इंसानी आबादी होटलों, दुकानों, गैराज में गुम आगे बढ़ते जा रही है और फितरत दूर से दूर होती जा रही है। 1/4 सदी पहले बनने वाले रेगुलेटर से पानी रूठ गया है। अब नहरों में घास, मुर्दा, बदबूदार पानी, टूटी फूटी सड़क नजर आती है। इस रेगुलेटर को दूसरों से अलग करती थी उस पर बनी हुई रेल की पटरियां और उसके ऊपर लोहे का भारी इंजन या मशीन जो हैंडल से चलाया जाता था और इसके दरवाज़ों पर जंजीर बंधी होती थी। जब ये मशीन आगे को चलती तो दरवाजे ऊपर उठ जाते और जब पीछे को आती तो दरवाजे नीचे को आ जाते। ये रेगुलेटर 1898 में तामीर हो चुका था, मगर इसका इफ्तिताह जनरल विलियम रोज नैन्सी फील्ड अव्वल
जो 1865 से 1870 तक भारत का कमांडर इन चीफ था और सेंडोरिस्ट एकेडमी का तरबियत याफ्ता था, उसके बेटे विलियम बार्न सेंडोहोरिस्ट ने 24 नवंबर 1899 में किया। ये तख्ती आज भी रेगुलेटर के मगरिब में पुल के पास लगी हुई है। विलियम बार सेंडोहोरिस्ट, जो लिबरल पार्टी से ताल्लुक रखता था, बम्बई का गवर्नर बना। उनके गवर्नर बनते ही बॉम्बे में ताउन फैल गया, जिससे 20,000 अफराद हलाक हो गए और कई शहर से खुरूज हो गए। 1897 में वबाई अमराज का एक मंजूर किया गया। इसके तहत हुकाम को वबा से निपटने के लिए वसी इख्तियार दिए गए। विलियम बार सेंडहोरिस्ट ने, जिसने इसका इफ्तिताह किया, 1855 में लंदन में पैदा हुए और 8 नवंबर 1921 को 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ये पुल खस्ता हाल और नाकारा हो चुकी है। लगता है आने वाले कुछ बरसों में, जब विलियम बार्न सेंडहोरिस्ट की इफ्तिताह की तख्ती और ये पुल, रेगुलेटर और उसके ऊपर रेल की पटड़ी और मशीन अपना वजूद खो दें, तो शायद किसी को याद भी ना रहे कि विलियम बार्न सेंडहोरिस्ट ने किसी रेगुलेटर का इफ्तिताह किया था और यहाँ पर भी कोई पुरवकार तकरीब हुई थी। यहाँ से पानी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ रास्ते बनाकर गुजरेगा। सांगढ़, मीरपुर खास, उमरकोट की ज़मीनों को सैराब करता हुआ, हुरों के खून से लिखी हुई तारीख के किस्से सुनाता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर नहीं रहा तो बाली की कश्ती की तरह रेगुलेटर पर पड़ी हुई नाकारा मशीन, खस्ता हाल पुल और विलियम बार्न सेंडोहोरिस्ट की इफ्तिताह की तख्ती।